किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता, वह होनहार के वशीभूत होकर हट पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे, नहीं तो विवाह न हुआ तो। हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य उदय हों। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब प्रसन्न हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित है। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर
वे गुरु के पास चले देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया, फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे हैं। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या आग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी, भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय जगत जननी माता सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास माता गौरी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मनमोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके देवी सीता जी प्रसन्न मन से श्री गौरी जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर भर मांगा। एक सखी देवी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं।